विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विधानसभा में अध्यादेश पटल पर रखने के साथ साथ विपक्ष के सवाल और हंगामा भी बदस्तूर जारी है। विपक्ष ने जहां सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं विपक्ष के कई विधायकों ने कई मामलों में सरकार से जवाब भी मांगे। हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, कार्य मंत्रणा में कुछ कहती है, सदन के अंदर कुछ और बात होती है। हम चाहते हैं कि सदन चले और जो मूलभूत प्रश्न इस राज्य के हैं, जिसको विपक्ष के विधायक सदन के अंदर उठाना चाहते हैं, सरकार उसका जवाब देने का काम करे। सरकार ठीक है। जिन जवाबों को देने में कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्रियों के पसीने भी छूटते नजर आए। कई मंत्री तो ऐसे भी थे जो विधायकों के सवालों का उचित जवाब नहीं दे पाए, जिससे सदन में असमंजस की स्थिति देखने को मिली। ये कोई पहली मर्तबा नहीं सवालों का सटीक जवाब विधायकों को मिल पाया हो। हजारों नौकरियों में इसी तरह का खेल होता रहा है और इसका पर्दाफाश धीरे धीरे हुआ और आखिरकार सरकार को दबाव में, कांग्रेस के युवाओं के दबाव में, विपक्ष के दबाव में सरकार को यह मामला एसटीएफ को देना पड़ा। हम उस वक्त कह रहे थे कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में होना चाहिए, जिसका दूध का दूध पानी का पानी हो सके, सच्चाई सामने आ सके। लेकिन इन्होंने ये चाहते थे कि वो लोग जो इस मामले में संलिप्त हैं, वो चेहरे जो सत्ता के बहुत करीब थे, जिनकी कई जगह फोटो वायरल हुई बड़े नेताओं के साथ, उनको बचाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सीबीआई जांच से परहेज किया, इसलिए इन्होंने एसटीएफ की जांच सौंपी और एसटीएफ ने जिनको गिरफ्तार किया, जिनको जेल के शिक्षकों में डाला, आज वह सरकार की लचर पैरवी की वजह से जेल से बाहर हैं। मास्टरमाइंड कहा जा रहे थे सब छूट गए हैं। इसकी परिणति यही होनी थी, सरकार जो चाहती थी उसी तरह से सरकार एसटीएफ ने काम किया, उसी तरह से उनको यहाँ के जो जज हाईकोर्ट में एक लंबी फौज है, अधिवक्ताओं की लंबी फौज, आखिर वो क्या कर रही है, क्यों ठोस पैरवी क्यों नहीं की, कैसे वो छूट गए, तमाम सवाल है। इसी सवालों को लेकर आज हम सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम करेंगे। हालांकि विधानसभा स्पीकर और सरकार द्वारा हमेशा ही ये आग्रह किया जाता है कि जो भी मंत्री विधानसभा में सदन की कार्रवाई में मौजूद रहे, वो अपनी पूरी तैयारी करके आएं। लेकिन माननीयों की आधी अधूरी तैयारी कहीं न कहीं सरकारों की किरकिरी जरूर करवाती है। माननीयों के वाहन खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि मौका खास होगा और मौका है शीतकालीन सत्र का। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया गया, 5,000 करोड़ से ऊपर का ये बजट था, जिस बजट में कई ऐसे साथी बजट के अलावा जो कई ऐसे विधेयक थे जिन विधेयकों को पटल पर रखा गया और उनको पारित कराने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। लेकिन उसके अलावा अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने कई अहम मुद्दे इस वक्त सदन में उठाए जिनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार असमंजस में नजर आई। उसके अलावा कई ऐसे कैबिनेट मंत्री थे जो अपने सवालों के जवाब भी ठीक प्रकार से नहीं रख पाए। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही खड़ा होता है कि एक बार कार्य योजना बनती है, उन कार्य योजनाओं को आखिर धरातल पर सरकार क्यों नहीं उतार पाती और आखिर क्यों बार बार सरकार के मंत्रियों को मुंह की खानी पड़ती है, जबकि विधानसभा स्पीकर पहले ही अधिकारियों को और साथ ही जो मंत्री हैं उनको निर्देशित कर चुकी थी, सरकार भी निर्देशित कर चुकी थी कि अगर आपको विधानसभा में जाना है तो पूरी तैयारियों के साथ आए। एक और तो मंत्री खुद अधिकारियों पर फटकार लगाते हैं, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब खुद मंत्रियों पर ये सवाल खड़े हो जाते हैं। ये हाल कोई पहली मर्तबा नहीं, ये आलम इससे पहले भी कई मर्तबा विधानसभा में देखा गया है। चलिए, सत्र का तो आगाज हो चुका है, सत्र चल भी रहा है, लेकिन आगे क्या ये तस्वीर रहेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारा इन माननीयों से सिर्फ यही निवेदन है और यही मशवरा मेरे माननीयों को देना चाहते हैं कि जब आप सदन में आते हैं तो पूरे प्रदेश की निगाह आप पर टिकी होती है और आप अगर सदन में आए, सदन के पटल में अगर आप बात को रखते हैं, विधेयकों को रखा जाता है, उनका जवाब जब दिया जाता है तो कम से कम उनकी तैयारियों को पूरा करके आए। देहरादून से क्राइम पेट्रोल के लिए कैमरा पर्सन अफजाल के साथ कैलाश।